जुलाई महीने का पहला मॉक टेस्ट ले रहे हैं हम। इससे पहले हमने जून महीने में 13 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए थे जीएस के, वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिए हैं, वहां से देख सकते हैं। तो जुलाई महीने का पहला मॉक टेस्ट है ये, थोड़ा सा चेंजेस किया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, स्पेशली हम जो है जो जितने भी एग्जाम आप देने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सब डिजाइन किए गए, ठीक है। तो देखिए, ये यूपीपीएससी है आपके, कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, या फिर वीडियो के या लेखपाल के एग्जाम जो भी आपके हो रहे हैं यूपी में, यूपी के बाहर। सीटेट के एग्जाम में देखिए आपको एसएसटी पूछी जानी है, एसएससी में अलग से जीएस का पोर्शन है, एलटी ग्रेड में भी जीएस है, टीजीटी पीजीटी में अगर आपको लगता है उनके जो आपके सेपरेट सब्जेक्ट हैं उनमें भी यही पोर्शन रहेंगे, जैसे का इतिहास आ गया, किसी का भूगोल आ गया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो शामिल होते ही हैं जीएस में। DSSS भी हैं, रेलवे हैं, इन सभी के एग्जाम को फोकस करेंगे। एक बार आपकी जीएस की तैयारी हो गई कंप्लीट तो आप जो है किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। यही एक पोर्शन है जो आपको पीछे खींचता है, ठीक है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई भी एग्जाम। तो इसकी फाउंडेशन आप हमारे साथ बना सकते हैं। हम अनअकैडमी पर तो बढ़ते जा रहे हैं, 180 प्लस वीडियोस हो गए हैं। जिसको भी जीएस की फाउंडेशन अपनी अच्छी करनी है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो एक बार जीएस अगर पढ़ रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एक बार पढ़ के देखिए, ट्राई करिए। हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं इन सभी वीडियो लेसन के, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करिएगा हमारे साथ में, ठीक है। लेकिन इतना तो है कि आपको ये है कि फाउंडेशन आपकी बन जाएगी, एक बेसिक सी होते हैं सब पेपर में जो आते हैं, कुछ अलग से नहीं आता है, कोई हवा नहीं होता पेपर में कुछ भी, ठीक है। बेसिक आपके क्लियर हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्जेक्ट के, तभी आप पेपर निकाल पाएंगे, ठीक है। और हम जो है इन्हीं चीज़ पर आपकी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं फिर आज का। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं, तो ईस्ट जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट कहाँ पर है ये बताना है। तो ये मैंने छोटा सा मैप लिया है, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये इंडिया है, मैंने बताया था जो ज्योग्राफी की दो वीडियो मैंने ली थी उसमें, ये भारत का जो है पूर्वी समुद्र तटीय एरिया है, ठीक है, ये समुद्र तट है, कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये पूर्वी एरिया है भारत का, और ये पश्चिमी है यानी वेस्टर्न है, ठीक। तो पूर्वी और पश्चिमी एरिया, तो अगर ये जो भारत का ये जो पूर्वी एरिया है इसके जो समुद्र तट के पास में जितने भी माउंटेन्स हैं ये माउंटेन चेन है एक्चुअली, इसी के पैरेलल में माउंटेन चेन बने हुए हैं, इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक, ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट। ठीक उसी तरह जो वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल एरिया है इंडिया का, यानी पश्चिमी समुद्र तटीय एरिया है भारत का, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर एक पर्वतों की श्रृंखला चलती है जिसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, अब एक जगह ऐसी आती है जहां पर ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, यहां पर टच हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका यहां पर। तो यहां पर वो कौन सी जगह है ऑप्शन में ये पूछा है आपसे, ठीक है, ये देखिए ऑप्शन में डाली हुई है ये चीजें। तो ऐसी एक ही जगह है जहां पर ये दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट करते हैं, उसका नाम है नीलगिरी हिल्स, ठीक है, ब्लू हिल्स कहिए इसको, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, इस तरह से आप याद करेंगे इसको। अगले सवाल ले लेते हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जनगण मन जो है पहली बार कब गाया गया था। ये क्वेश्चन मैंने एक बार कराया हुआ है, लेकिन इसका दूसरा काउंटर क्वेश्चन भी आता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली बार कब गाया गया था, ये 1911 में गाया गया था, लेकिन तीन ऑप्शन में 1911 दे रखा है। अब यहाँ जो है जगह भी दी है, प्लेस दी है, तो इसमें आंसर रहेगा ए ऑप्शन, कलकत्ता, कलकत्ता 1911। तो भारत का राष्ट्रगान, अब एग्जैक्टली डेट देकर भी पूछता है, एक तो इस तरह से पूछ सकता है, एग्जैक्टली डेट देकर कैसे पूछेगा आपको, देखिए भारत का राष्ट्रगान किस डेट को हुआ, तो इसमें ये एग्जैक्टली डेट है इसकी, 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले जो है ये पहली बार कब गाया गया था, ये कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था जब इंटरनेशनल कांग्रेस थी, कांग्रेस के अधिवेशन होते थे हर साल उस वक्त, तो 1911 में एक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का अधिवेशन, सबसे पहली बार वहीं इसको गाया गया था। एक सवाल तो बनता है ये तीन सवाल बन गए यहाँ से, एक बार डेट को पूछ सकता है एग्जैक्टली, एक बार जगह को पूछ सकता है कि जनगण मन किस जगह पर गाया गया था या किस वर्ष गाया गया था, दो सवाल ये हो गए। तीसरा ये है, संविधान सभा द्वारा जनगण मनगण कब एक्सेप्ट किया गया था, उसको कब स्वीकार किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया था। अब सवाल आता है कि राष्ट्रगान को लिखा किसने है, पांचवा या छठा सवाल इसका, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सवाल एक और सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक तो भारत का राष्ट्रगान जनगणमन, दूसरा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान जिसे कहते हैं अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है, याद रखेंगे, पूछा जा चुका है। और भारत की तरफ से पहले नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए, सवाल ये है, तो आंसर भी रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन से, तो ये तरीका अगर आप अपनी जो है अपने करियर में या जो भी तैयारी के टाइम पीरियड में आप जो है अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है, यही बेसिक्स होते हैं आपके।
ठीक, तो इस तरह से याद कर लेंगे। अब संविधान सभा, देखिए राष्ट्रगान को अपनाया तो गया था, लेकिन ये कब, जैसे 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस है, ठीक उससे 2 दिन पहले, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ईयर भी सेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 200 आर्टिकल 213 में बताई गई है। ऐसे ही भारत के राष्ट्रपति के विषय में कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की, आपको मालूम भी हो सकती है, लेकिन सुन लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको देख रहे हैं इसको। तो देखिए जो राज्य का राज्यपाल है अध्यादेश कब जारी करता है, वो आर्टिकल 213 में बताया गया है, लेकिन उससे पहले भारत का राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। तो भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल भी बहुत सिंपल दिया है, इंपॉर्टेंट दिया है, अनुच्छेद 103 आर्टिकल, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, अनुच्छेद 123, ठीक है, अनुच्छेद 123 यानी 1 2 3 से याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है, सीधे नंबर हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 याद कर लीजिए एक बार। तो ये हो गया आर्टिकल 123, जिसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो ये याद कर लेंगे पहले एक। फिर जब गवर्नर तो क्या है, देखिए सेंट्रल लेवल पर तो क्या है, भारत के राष्ट्रपति हैं, अगर किसी स्टेट की बात करेंगे, स्टेट लेवल पर जो है जो सर्वोच्च पद है वो किसका है, गवर्नर का है, ठीक है। तो गवर्नर के लिए भी इसी से मिलता जुलता आर्टिकल एक होना चाहिए, अध्यादेश जारी करने के लिए गवर्नर भी कर सकता है। तो जो शुरू के 2 डिजिट थे हमारे जो राष्ट्रपति वाले में थे, उनके 2 डिजिट को एक्सचेंज कर दीजिए शुरू के, यानी 2 को 1 कर दीजिए, 1 को 2 कर दीजिए, यही दोनों चेंज किए और इसको ऐसे रहने दिए। तो ये हो गया आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 क्या बताता है, राज्यपाल इशू करेंगे क्या, एक ऑर्डिनेंस। इस तरह से आप दोनों आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं, ये 1 2 3 ये 3 डिजिट से ही बने हुए, 1 2 3 जो स्टार्टिंग के ही हैं, दोनों को मॉडिफाई कर देंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है करंट का क्वेश्चन आपका, वेद विज्ञान नाम की किताब है, इसके लेखक बताने आपको कौन है, वेद विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, और 1 महीना आपके लगभग एग्जाम को 28 दिन है, तो ये पूछा जाना किसी भी एग्जाम में इजीली पूछा जा चुका है और ये जा सकेगा, और ये जो है बुक अगस्त में लॉन्च होने वाली है अगले महीने में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आचार्य अग्निव्रत नेस्टिक ने ये बुक लिखी है, इसका नाम याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य का उपनाम दिया गया था, 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी घटना थी, आंसर होगा होम रूल आंदोलन, ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। अभी चलिए देखिए, होम रूल लीग के दौरान बाल गंगाधर तिलक को जो है काफी प्रसिद्धि भी मिली थी, जिनकी वजह से इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी, टाइटल मिला था ये। और होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1916 में हुई थी, एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। और इसका मेन पर्पस जो है वो था भारत में स्वराज स्थापित करना, यानी अपना ही राज अंग्रेजों को हटाकर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, जो एक क्वेश्चन अभी मैंने लिया था नीलगिरी हिल्स वाला, वही क्वेश्चन है, इसी का एक्सटेंशन समझ लीजिए ये। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये एक्चुअली है केरला में, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, लेकिन अब जो ये है कहाँ एक्चुअली, तो ये है नीलगिरी पहाड़, अभी जो बताया था मैंने नीलगिरी हिल्स या नीलगिरी पहाड़, नीलगिरी पहाड़ उसी में क्या है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, विश्व के नाम से आएगा या फिर आएगा वातावरण में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है। देखिए अगर सबसे ज्यादा पाई जाए और ऑप्शन में आपके जल वाष्प हो यानी वाटर वेपर हो, तो सबसे ज्यादा यही होती है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में जल वाष्प गायब है, कुछ और दे रखा है, तो नंबर 1 पे आ जाएगी फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पहली नंबर पे जो है जल वाष्प ही रहेगी, जल वाष्प इज करेक्ट आंसर। तो सब जल वाष्प जो है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, और बाकी आप इसका परसेंटेज पढ़ सकते हैं यहाँ से, ये याद रखेंगे बस आप। अगला क्वेश्चन देखिए, डेथ वैली जिसे मौत की घाटी भी कहते हैं, ये किस मरुस्थल में, किस डेजर्ट में है, ये बतानी है। मोजावो डेजर्ट है ये, ऑप्शन ए मोजावो डेजर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो ये जो मरुस्थल है कहाँ कहाँ पर, कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटा और एरिजाना, इन सब में जो है, इन एरिया में जो है ये फैला हुआ है डेथ वैली, मौत की घाटी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पूछना है, भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, दो दो जोड़े से ऑप्शन दे रखे हैं, पेयर में है ऑप्शन, अब देख लीजिए, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए ये गुजरती कौन कौन से राज्यों से है भारत के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री होती है, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर होगी ये नॉर्थ में, अभी दिखाता हूँ लोकेशन भी, देखिए ये पहले ये राज्य देख लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये कुल 8 राज्यों से पास होती है भारत के। सवाल आता है कि जो है ये कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, होकर गुजरती है, तो आंसर होगा 8, अगर इस तरह से पूछेगा। अगर पूछेगा कि पूर्वी जो भारत के उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, उनमें से कितने राज्यों से गुजरती है, तो उसमें नंबर अगर पूछेगा तो 2 होंगे, और वो नाम अगर पूछेगा तो त्रिपुरा और मिजोरम होंगे। अब मैं दिखा देता हूँ इनको भी, ये आप दिमाग में भर लेंगे इसको, ठीक है।
यहाँ से देखिए, ये मैं बता देता हूँ, ये वर्ल्ड है ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ में 7 कंटिनेंट्स आपको दिख रहे हैं। इमेजिन एक्चुअली ये इक्वेटर और ये सब जितनी भी लाइंस होती है, लॉन्गिट्यूड या फिर लैटिट्यूड, ये सब जो होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो अर्थ पर खींची जाती हैं ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये अगर इसके बीचों बीच से हम एक लाइन खींच दें अर्थ के बीचों बीच से ठीक है, तो ये क्या है, 0 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री साउथ, ये कहलाती है आपकी इक्वेटर, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं हिंदी में। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये नॉर्थ साइड हो जाएगी, इसके नीचे आएंगे तो ये साउथ साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्थ साइड में एक लाइन खींचे 23.5 डिग्री की यहाँ पर, तो ये आपकी कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा ठीक है। और अगर इसके नीचे ही 23.5 डिग्री पर साउथ में एक लाइन खींचे, इसके ऊपर अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनेशन है ठीक है, तो ये कहलाती है 23.5 डिग्री के साउथ साउथ एरिया में, ये कहलाएगी मकर रेखा। इस तरह से आप याद रखेंगे ठीक है। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा इक्वेटर जो है इंडिया से पास नहीं होती है आपको। इंडिया कहाँ है, ये रहा देखिए, इंडिया ऊपर रह गया। तो सवाल आता है कि विषुवत रेखा इंडिया से होकर गुजरती है, सवाल आएगा, आंसर आएगा नहीं। तो कौन कौन से कंटिनेंट से गुजरती है, देखिए साउथ अमेरिका कंटिनेंट से होकर विषुवत रेखा गुजर रही है, अफ्रीका से होकर भी गुजर रही है, और किससे होकर गुजर रही है, एशिया में भी जा रही है लेकिन कुछ देशों में है एशिया के ठीक है, यूरोप तो बिल्कुल ही खाली है। और यहाँ देखिए इस तरह से पास हो रही है, तो इंडिया से जो है इक्वेटर पास नहीं होती है, बट ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा है, ये होकर गुजरती है कहाँ से, ये इंडिया से होकर गुजरती है। ये देख रहे हैं आप, ये इंडिया का मैप है, ये इस हिस्से से होकर गुजर रही है। अब इसको देख लीजिए कौन कौन से राज्यों को छू रही है, ये छूती हुई निकल रही है, 8 राज्य अभी बताए हैं नाम उनके, यहाँ देख लीजिए, गुजरात बताया था, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ रहेगा, झारखंड रहेगा, वेस्ट बंगाल रहेगा। अब ये आ जाइए दो जो राज्य मैंने बताए थे, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये रेड कलर का जो है त्रिपुरा है, और ये मिजोरम जो है ऑरेंज कलर में है ठीक है। तो ये दो राज्य हैं आपके जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, बाकी 6 जो हैं यहाँ पर है, मेनलैंड इसके जो हैं, मेनलैंड ही हैं ये भी दोनों, लेकिन ये उत्तर पूर्व हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के आंकड़े जो जारी हुए थे उसमें भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये इसका आंसर होगा हिंदी। पहले जो है 41% लोग हिंदी बोलते थे ठीक है, अब जो है इसके डेटा के अकॉर्डिंग हो गया 46.63%, याद रखेंगे डेटा। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा ठीक है। अगला सवाल देखिए, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 तरह से पूछा जाता है, मैंने एक दो तरीके से पहले बताया इसको। तो ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इन्होंने आइडिया दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट, किसका, रिपोर्ट का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आइडिया इन्हीं का था। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं और ये जो है पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रहे हैं ठीक है, इसी के लिए इनको जाना जाता है। अगला सवाल है, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, डाचीगाम नेशनल पार्क है ये ठीक है, और ये बारहसिंगा के लिए ज़्यादा फेमस है। एक सवाल और देखिए, 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया गया था, इसको जिसका नाम रखा गया था, शिवाजी ने एक 8 मंत्रियों की परिषद बनाई हुई थी, उसका नाम एक्चुअली क्या था, वो अष्ट प्रधान था, तो ये याद रख लेंगे ठीक है।